हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पोएम अनक्लेम्ड, रिटन बाय विक्रम सेठ। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल के आइकन को ही प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पोएट के बारे में एक इंट्रो दे दे रहा हूँ। देखें, विक्रम सेठ जो हैं वो एक इंडियन नॉवलिस्ट भी हैं, यानी उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं और वो एक कवि भी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें उनके जन्म होने की, तो उनका जन्म जो है वो वेस्ट बंगाल कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और 20 जून 1952 को उनके पिताजी का नाम प्रेम सेठ था और उनकी माताजी का नाम लीला सेठ था। ठीक है, और देखा जाए तो उन्होंने अपना जो बचपन था वो मोस्टली उन्होंने अपना लंदन में ही बिताया और बाद में वो फिर भारत में वापस लौटे। ठीक है, इसके अलावा अगर उनके स्कूल्स की बात करें तो उन्होंने बेलहम बॉयज स्कूल और द दून स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और सबसे अच्छी उसमें एक जानने वाली बात यह है कि जब वो दून स्कूल में पढ़ रहे थे, तो उस समय वो स्कूल में एक मैगज़ीन निकलती थी वीकली, जिसका नाम था दून स्कूल वीकली, उसके वो एडिटर इन चीफ भी रहे। ठीक है, और इसके बाद में क्या हुआ कि फिर वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए उनके घर वालों ने भेज दिया और आगे जाकर के वहाँ जब वो पहुँचे तो उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ पोएट्री लिखने में और वहाँ उन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीखी। ठीक है, अब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो राइटर हैं विक्रम सेठ हैं, वो उन्होंने अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई किया कि वो बाईसेक्सुअल हैं। ठीक है, यानी कि बाईसेक्सुअल मीन्स दोनों लिंगों पर आधारित कह सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि जो सेक्शन एक जो कैंपेन चला था, जिसमें कि सेक्शन 377 जो था, जो कि होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ था, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ठीक है, मीन्स वो उसके लीडर टाइप में रहे। राइट, आगे और देख लेते हैं कि उन्होंने कई भाषाओं के बारे में जानकारी उनको थी। उन्होंने बेल्स लैंग्वेज सीखी, जर्मन सीखी, फ्रेंच सीखी। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने लिखा ही है। ठीक है, और इसके अलावा कई ऐसे जो वाद्य यंत्र थे वो भी उनको बजाने आते थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में वो अभी जीवित हैं और उनकी एज जो है वो 69 इयर्स की हो चुकी है विक्रम सेठ जी की। एंड कुछ उनको अवार्ड्स भी जो है वो दिए गए, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड उन्हें मिला। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान उन्हें मिला, WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड उन्हें मिला। ठीक है, एंड क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड, यानी ये सारे उनके अवार्ड्स के नाम भी हैं। और स्पेशली अगर हम बात करें उनकी पोएम्स की, तो हालांकि अनक्लेम्ड तो आपके चैप्टर सिलेबस में ही है, वो तो आपको पढ़नी है, उसके अलावा अगर हम उनकी पोएम की बात करें तो एक पोएम उनकी मैपिंग आई थी 1980 में, और दूसरी पोएम एक और है उनकी जो 1991 में आई, बीस्टली टेल्स। ये दो पोएम्स जो हैं बहुत ही नोटेबल पोएम्स हैं उनकी, और स्पेशली इनको जो है लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पोएम पर। तो डियर स्टूडेंट्स, देख लें जो अनक्लेम्ड, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं अनक्लेम्ड का सेंस क्या होता है। अनक्लेम्ड का मतलब होता है कि ऐसी कोई वस्तु जिस पर किसी का क्लेम ना हो। ठीक है, अन मीन्स ना हो और क्लेम मीन्स होता है दावा या हक, यानी किसी भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर किसी इंसान का दावा ना हो, यानी बिल्कुल फ्री हो, कोई ये कह ना सके कि ये चीज़ हमारी है। ठीक है,
तो उसको हम कहते हैं अनक्लेम्ड। और यहाँ पर जो पोएट है उसने जो अनक्लेम्ड नाम का जो एक शीर्षक लिया है वो सिर्फ इसलिए लिया है कि जो पोएट है वो कम्प्लीटली अगर बताएं तो इस पोएम में जो पोएट है वो उस ये बताना चाहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी महिला से फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है, जो कि जिस पर किसी का क्लेम ही ना हो, जो किसी कोई दावा ही उस पर ना हो किसी का कि ये बस तो ये महिला हमारी है, ठीक है, तो उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने से जो आनंद है वो अलग ही होता है, जैसा कि पोएट ने इसमें बताया है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर हम बात कर लेते हैं इसकी पोएम की थीम पर, तो ये जो अनक्लेम्ड है, दिस पोएम टेल्स अस द एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग लव टू एन एलियन वूमेन और एन अनक्लेम्ड वूमेन अपॉन होम नो वन हैज एनी क्लेम। ओके, मीन्स एक ऐसी महिला जिसके साथ हम अपना रिलेशन बनाएं, जिस पर किसी का कोई क्लेम ना हो, तो उसका क्या फ़ायदा होता है, उसका एडवांटेज क्या है, उसमें उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, वो यहाँ पर पोएट ने बताए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, स्टैंजा नंबर फर्स्ट आपके सामने है, स्क्रीन पर देखें, लिखा है टू मेक लव विद अ स्ट्रेंजर इज द बेस्ट। पोएट कह रहा है कि किसी भी मेक लव मीन्स होता है प्रेम करना, विद अ स्ट्रेंजर किसी अजनबी महिला से, किसी अजनबी व्यक्ति से शारीरिक संबंध स्थापित करना इज द बेस्ट, सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। क्यों अच्छा माना जाता है, तो पोएट का आइडिया यहाँ पर ये है, देयर इज नो रेडल एंड देयर इज नो टेस्ट, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति किसी अजनबी से फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश करता है तो उसके लिए वहाँ पर न तो कोई पहेली है, ठीक है, पहेली का मीन्स उलझन कह सकते हैं, कोई रिडल नहीं है पहेली में, क्यों, तो जब पहेली में हम लोग पहेली को सॉल्व करते हैं तो एक उलझन में पड़ जाते हैं, तो यहाँ रिडल का मीन्स हो गया उलझन, ठीक है, कि क्योंकि उस रिलेशन में चूँकि कोई वो रिलेशन ही नहीं है, हम एक अजनबी आदमी के साथ में हैं, अजनबी महिला के साथ में हैं, तो इसलिए उसमें कोई उलझन नहीं होती, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई उलझन नहीं है, कोई पहेली नहीं है, और देर इज नो टेस्ट, और वहाँ पर कोई टेस्ट भी नहीं है। डियर स्टूडेंट, टेस्ट का मतलब यहाँ पर ये यह हो गया कि जो दोनों यानी कि जो पुरुष और महिला जो साथ साथ जब उस समय होते हैं तो वो आपस में दूसरे का टेस्ट भी नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर उनको सिर्फ फिजिकली ही अपने आप को सेटिस्फाई करना है तो वो फिजिकली सेटिस्फाई, जब जितना भी उनको टाइम मिलता है उसमें वो फिजिकली सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उन्हें किसी भी टेस्ट को, कोई भी परीक्षा उनको पास नहीं करनी पड़ती। परीक्षा किस बात की, कि तुम अच्छे हो या तुम ख़राब हो, तुमने हमारे लिए ये किया है, हमने तुम्हारे लिए किया है, या तुमने नहीं किया, तुमने हमें धोखा दिया, इस टाइप का कोई टेस्ट जो है उनको पास नहीं वहाँ पर करना होता है, उनकी आपस में कोई भी परीक्षा नहीं ली जाती है, ठीक है। तो फिर से दो लाइनें, कि किसी भी, पोएट कह रहा है अकॉर्डिंग टू पोएट, किसी भी अपरिचित व्यक्ति से अगर हम शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं तो उस वो सबसे अच्छा होता है पोएट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई उलझन नहीं होती है, और न ही दोनों में से कोई भी साथी जो होता है वो ये समझता है कि हमें उसकी परीक्षा, कि मेरी परीक्षा ली जा रही है कि मैं सही हूँ इस काम के लिए या नहीं सही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो दोनों साथी होते हैं अगर देखा जाए तो एक दूसरे पर वो कैसा प्रभाव डालते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। टू लाई, नेक्स्ट है टू लाई एंड लव नॉट एक्टिंग टू मेक सेंस, ठीक है। पोएट कह रहा है टू लाई मीन्स लेटना, यानी कि साथ साथ में एक साथ में लेटना, एंड लव और प्रेम करना, नॉट एक्टिंग टू मेक सेंस, नॉट मीन्स नहीं, और एक्टिंग का मीन्स होता है वही कष्ट देना, किस बात के लिए, कि सेंस मीन्स भावना, ठीक है, कि अगर, पोएट कह रहा है कब, आगे टाइम भी बता दिया है, ऑफ दिस नाइट, इस रात, इन द मैश, ठीक है, और जो मैश होता है
तो मैथ्स का मीन्स हम ये कह सकते हैं, एक जो कोई जाल होता है ना, किसी जाल के जो तार होते हैं उनके बीच के स्थान को मैश कहा जाता है, ठीक है। और ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस का मीन्स वही संदर्भ से कह सकते हैं, ठीक है, कि पोएट कह रहा है कि जैसे किसी तार के बीच का स्थान होता है, यानी कि एक उलझन टाइप की चीज़ होती है, यानी उस रात में, जिस रात में वो दोनों अजनबी एक दूसरे के साथ होते हैं, एन्जॉयमेंट में लगे हुए होते हैं, उस समय उन दोनों को कोई भी, उनके मन में कोई भी ऐसी पीड़ा की भावना नहीं होती है, यानी दोनों में से किसी को कोई भी पीड़ा का पीड़ा या पछतावा नहीं होता है कि हम लोग साथ साथ में हैं। और इससे जो भी वो रात होती है अंधकार में, जिन घंटों के संबंध मध्य में, जिन जिस समय के मध्य में वो अपना संपर्क स्थापित कर रहे होते हैं, उस समय के मध्य में उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो पोएट कहना चाह रहा है कि किसी अजनबी आदमी के साथ अगर हम संबंध स्थापित करते हैं तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई पहेली नहीं है, कोई एक दूसरे का टेस्ट नहीं लेता है, उसे लगता नहीं कि हमारा टेस्ट लिया जा रहा है। और जब वो रात के अंधेरे में एक साथ लेटे होते हैं, जिन जो उनका समय होता है अपना आपस में टाइम बिताने का, उसमें जो उस समय का जो संदर्भ अगर हम लें, तो उस समय में उन दोनों को कोई भी पीड़ा, कोई भी पछतावा नहीं होता है जो जिस कार्य में वो लगे हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू टच अनक्लेम्ड बाय फियर ऑफ एमिनेंट डे एंड अंडरस्टैंड एज ओनली स्ट्रेंजर्स में, ठीक है। टू टच मीन्स होता है वही टच करना, अनक्लेम्ड मीन्स जिस पर कोई दावा ही ना हो, बाई फियर, फियर मीन्स होता है डर, ठीक है। और ऑफ एमिनेंट डे, एमिनेंट डे का मीन्स कह सकते हैं कि जो हर जगह अस्तित्व में हो, ठीक है। मीन्स एमिनेंट मीन्स ऐसी चीज़ जो हर जगह व्याप्त हो, हर जगह अस्तित्व में हो। तो पोएट कह रहा है कि वो डर जो हर जगह अस्तित्व में रहता है, कि अगर मान लो कोई भी व्यक्ति इस टाइप से अगर अपना फिजिकल रिलेशन स्थापित करता है, तो उसको कहीं ना कहीं एक प्रकार का डर उनको, उसको हर माहौल में दिखाई देता है। लेकिन अगर वो टच करता है किसी भी अजनबी व्यक्ति को, तो उसे कोई डर नहीं है कोई उस पर, क्योंकि वो वस्तु ही अनक्लेम्ड है, उसका डर उसको होगा ही नहीं उसके व्यक्ति के मन में। एंड अंडरस्टैंड एज ओनली स्ट्रेंजर्स में, और कभी कह रहा है कि वो टच, कि जो टच वो लोग आपस में फील करते हैं, उस टच को वो अंडरस्टैंड में सोता है समझ सकते हैं, एज ओनली स्ट्रेंजर्स में, जैसा केवल अजनबी ही कर सकते हैं। मीन्स पोएट का मानना ये है, ठीक है, क्लियरली समझ लें कि पोएट ये कह रहा है कि जो अपरिचित लोग हैं उनका जो प्रेम संबंध है वो बिल्कुल कम्प्लीटली सेफ होता है, उसमें कोई डर नहीं होता है, ठीक है। और जो साथी होते हैं वो बिना संकोच के एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, एक दूसरे के संपर्क का अनुभव कर सकते हैं, और भली प्रकार से वो ये समझ सकते हैं वही लोग, क्योंकि वही एक दूसरे के संपर्क में है, अजनबी एक दूसरे के संपर्क में है, तो वही ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से किसी अनक्लेम्ड के साथ संबंध स्थापित करना कितना अच्छा फीलिंग दे सकता है, ठीक है। तो मीन्स पोएट का मानना ये है कि अगर कोई व्यक्ति अनक्लेम्ड पर्सन के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, तो निश्चित रूप से उसे जो प्रसन्नता का आभास होता है, वो अगर किसी अपेक्षाकृत किसी ऐसे इंसान से अगर उसका फिजिकल रिलेशनशिप हो रहा है जिसको वो ऑलरेडी जानता है, जो उसके किसी रिलेशन में है, ठीक है, तो उससे शायद वो उतना एन्जॉयमेंट ना ले पाए जितना एन्जॉयमेंट उसको उस इंसान से मिलता है जो इंसान उससे बिल्कुल अजनबी है, उसके लिए बिल्कुल एलियन है, यानी कि एक प्रकार से नया है जिसको वो जानता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पोएट कह रहा है टू फील द बीट ऑफ फॉरेन हर्ट टू हर्ट, ठीक है। पोएट कह रहा है टू फील मीन्स होता है महसूस करना, द बीट मीन्स होता है धड़कन ऑफ फॉरेन, फॉरेन और एलियन वो एक ही बात है, एलियन मीन्स भी विदेशी, जिसको हम जानते ना हो अजनबी हो हमारे लिए, फॉरेन का मतलब भी विदेशी, यानी कोई ऐसा अजनबी, कोई ऐसी अजनबी महिला
कोई ऐसा अजनबी साथी उसकी हर्ट की जो बीट है, यानी कि किसी भी विदेशी के हृदय की धड़कन को फील करना, टू हर्ट अपने हर्ट के पास, मीन्स किसी दूसरे के हर्ट की फीलिंग को व्यक्ति तभी तो अपने हर्ट के पास फील कर पाएगा जब वो उसके बिल्कुल पास में लेटा हो, बैठा हो, ठीक है। तो किसी भी विदेशी व्यक्ति की, किसी भी अपरिचित व्यक्ति की हर्ट की धड़कन को अपनी धड़कन के पास महसूस करना, ठीक है। रेफरिंग नेदर टू प्रोलोंग नॉर पार्ट, ठीक है। रेफरिंग मीन्स होता है संबंधित, कि न तो ये संबंध किससे होता है, नेदर मीन्स न तो, टू प्रोलोंग, प्रोलोंग मीन्स होता है लंबे समय तक जारी रखना, ठीक है, यानी बहुत लंबे समय तक, और पार्ट मीन्स होता है अलग हो जाना, बिछड़ जाना, ठीक है। पोएट कह रहा है कि जब वो लोग एक दूसरे के पास सिर्फ इसीलिए आए हैं कि उनको एक दूसरे के साथ मिलकर के फॉर सम टाइम ओनली एन्जॉयमेंट ही करना है, तो पोएट कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति, कि जब वो दो अजनबी व्यक्ति एक साथ में आते हैं, उनकी धड़कन से धड़कन जब मिलती है, जब वो बिल्कुल पास में होते हैं, बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, तो उस समय उनके मन में ये भी डर नहीं होता है। क्या डर नहीं होता है, कि न तो ये डर होता है कि उनका जो भी, मतलब वो प्रेम कर रहे हैं, जो भी आपस में उनका एक रिलेशन स्थापित हो रहा है, वो लंबे समय तक चलेगा या फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मीन्स अलग होने का और मिलने का उन्हें कोई डर नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ वह समय इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि उस फिजिकल इंटरकोर्स के टाइम पे वो सिर्फ वही सोचते हैं कि बाकी उनका दिमाग और कहीं नहीं जाता है। वो ना ये सोचते हैं कि हम लोग कब तक मिलेंगे, वो ना ये सोचते हैं कि कब तक हम लोगों का साथ रहेगा, कब तक हम लोग बिछड़ जाएंगे, क्योंकि बिछड़ने का और मिलने का उन्हें कुछ सेंस होता ही नहीं है, बिकॉज दे आर ओनली स्ट्रेंजर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, टू रेस्ट विद इन द अननोन आर्म्स एंड नो, टू रेस्ट, रेस्ट मीन्स होता है आराम करना। पोएट कह रहा है कि वो रेस्ट करते हैं, विद इन मीन्स में, द अननोन मीन्स अनभिज्ञ, आर्म्स मीन्स भुजाओं में, यानी कि ऐसे जो प्रेमी होते हैं, ऐसे प्रेमी क्या कहें, बल्कि वो सिर्फ एक फॉर शॉर्ट टाइम उनको एक दूसरे से मिले हैं, सिर्फ अपनी फिजिकल रिलेशंस को उनको बनाना है, इस्टेब्लिश करना है, तो उनको हम प्रेमी तो नहीं कह सकते हैं। और तो पोएट कह रहा है कि वो जो हैं ऐसे लोग होते हैं जो कि एक बिल्कुल रेस्ट कर सकते हैं अननोन आर्म्स, यानी एक दूसरे की अजनबी बाहों में, ठीक है। मीन्स का ये हुआ कि कोई भी दो लोग जो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं और अचानक किसी कारण से वो मिल गए हैं और मिलकर के उन्होंने अपना फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया है, तो उस समय उनके पास इतना एक पीक टाइम होता है जिसमें वो एक दूसरे की बाहों में आराम कर सकते हैं, अनभिज्ञ लोगों की बाहों में। एंड नो, और नो मीन्स होता है वो जानते हैं, दैट दिस इज़ ऑल देयर इज़, ठीक है। यानी वो क्या करते हैं, वो जो लोग होते हैं वो ये जानते हैं कि दिस इज़ ऑल, कि यही सब कुछ है, देयर इज़ मीन्स यहाँ पर, उनका मानना ये होता है कि जो ये समय हमारे पास है, बस हमारे पास यही समय है, सब कुछ यही हमारा सबसे मेन टाइम है, दैट दिस इज सो, और यही जो है वो उसका, दिस इज सो मीन्स ऐसा, और उन्हें लगता है कि इसीलिए हम इसको ऐसा करते रहें जिससे कि हमारे पास हमारा टाइम भी बर्बाद ना हो और आराम से हम पूरा इन्जॉयमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, पोएट कह रहा है इन लास्ट की फोर लाइन्स में, टू फील से लेकर के और इस सो तक, पोएट कह रहा है कि अगर हम किसी अपरिचित व्यक्ति की दिल की धड़कन को अपनी धड़कन के साथ अनुभव करते हैं तो उसमें बहुत ही आनंद है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, उसमें बहुत ही बढ़िया फीलिंग आती है, पोएट का ऐसा मानना है, राइट। और फिर पोएट कह रहा है कि ऐसी अवस्था में क्या होता है कि अत्यधिक ज़्यादा, यानी कि अनलिमिटेड जो प्लेजर होता है वो व्यक्ति फील कर सकता है, असीमित आनंद उसको महसूस हो सकता है, और फिर होता क्या है कि वो उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, उनको ये नहीं लगता है कि हम अब कुछ और बाहर की बातें सोच लें, वो कम्प्लीटली अपना माइंड उसी अवस्था में लगा रखना चाहते हैं। न तो उन्हें ये चिंता होती है कि हमें अपना रिलेशन बड़ा लंबा खींचना है, आगे भी मिलेंगे, भविष्य में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, और न ही उनके अंदर ये
चिंता होती है कि हम अलग हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स दोनों में से किसी पर देखा जाए तो उस समय दोनों में से जो दो लोग होते हैं आपस में मेल एंड फीमेल, तो उनमें एक दूसरे पर कोई जो है वो उपकार नहीं कर रहा होता है। कोई भी देखा जाए तो किसी पर एक अपना उपकार नहीं दिखा रहा होता है, और न ही वो उनका कोई बंधन होता है, न ही वह उस समय कोई झूठा वादा करते हैं कि हम फिर से मिलेंगे या फिर से नहीं मिलेंगे, ठीक। उनके लिए उस समय सबसे बड़ा आनंद क्या होता है, एक दूसरे के गले लगना, एक दूसरे के साथ मिल करके बैठना और एक दूसरे के साथ ही बात करना, ठीक है। तो कम्प्लीटली यहाँ पर ये कहा है पोएट ने कि पोएट की अपनी थीम है। डियर स्टूडेंट्स, सब जिसका भी अपना अलग अलग थिंकिंग है, सबका अपना अलग अलग विचार है, तो पोएट जो है वो ये सोचता है कि मोस्टली जनरली क्या होता है, ट्रेडिशनल थीम क्या होती है कि लोग सोचते हैं कि भाई हमारा जो अपना व्यक्ति है, जैसे कि हमारी जो बिलव्ड है या फिर हमारी वाइफ है, उससे अपना अगर हम रिलेशन स्थापित करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पोएट थोड़ा सा अनट्रेडिशनली जाता है और ये कहता है कि उन अपने जाने लोगों के साथ एक रिलेशन स्थापित करना उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है जितना इंटरेस्टिंग किसी अजनबी आदमी के साथ रिलेशन स्थापित करना होता है। तो पोएट कह रहा है कि जो उस समय उन लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है जो होते हैं वहाँ पर प्रेमी आपस में उस समय अपना टाइम बिता रहे होते हैं, उनकी साइकोलॉजी सिर्फ इतनी होती है कि हमें अपना जो समय मिला है उसको कम्प्लीटली हमें यूज़ करना है, न कि हमें बेकार की बातों में लगे रहना है। उन्हें कोई डर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर पोएट ने बताई हैं, और पोएट का मानना ये है कि अनक्लेम्ड के साथ अगर हम फिजिकल रिलेशन स्थापित करते हैं तो उसमें जितना इंटरेस्ट है उतना इंटरेस्ट किसी भी जाने पहचाने के साथ रिलेशन स्थापित करने में नहीं होता है। राइट डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल अंडरस्टूड द पोएम कम्प्लीटली। टिल देन, गुड बाई, कीप लविंग लिटरेचर।